लोक नेता स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दहिसर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की विधायक मनीषा ताई चौधरी ने शिवाजी नगर स्थित गोपीनाथ मुंडे स्टेडियम में गोपीनाथ मुंडे जी की प्रतिमा पर यह देखिए पुष्प अर्पित कर उनकी याद में वृक्षारोपण किया एवं क्षेत्रीय नागरिकों को मुफ्त में हजारों फलदार पौधे बांटे गए। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी सहित भारी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी एवं नेता उपस्थित थे। पेश है खास रिपोर्ट। देखिए क्या हर साल हम लोग मैं धानुपालगढ़ से पेड़ लेके आती हूँ और मैं खास करके जो पेड़ लाती हूँ कलम के पेड़ लाती हूँ, तो कलम के पेड़ को जल्दी फूल भी आते हैं और उसके फ्रूट भी आते हैं। ऐसे अभी मुंबई में जो हमारी चकली है, पक्षी है, वो पक्षी कम होते जा रहे हैं, इसीलिए मैंने ये साल पूरे फ्रूट के पेड़ लाई हूँ। तो फ्रूट लगाएंगे तो पक्षी भी यहाँ रहेंगे और हमने लगाए हुए पेड़ के फ्रूट आगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खाएंगे। गोपीनाथ मुंडे जी ने जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में और देश भर में काम किया, आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर गत साल भी मनीषा ताई ने 5000 वृक्षोपण करने का कार्यक्रम का आयोजन किया था, लेकिन 5000 से भी ज़्यादा पेड़ गए साल लगे थे। इस साल फिर एक बार वही कार्यक्रम को दोहराते हुए आज हम लोगों ने यहाँ पर आज उनके पुण्यतिथि के अवसर पर वृक्षोपण का कार्यक्रम किया और सोसाइटी के लोगों को वृक्ष वाटप भी हुआ है। बड़े पैमाने में इस बार भी दहिसर में और पूरे उत्तर मुंबई में वृक्ष लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होगा।